मोहम्मद नवाज शरीफ के बाहर जाने पर जो हुकूमती बांड की शर्त थी वो दुरुस्त थी या अदालती फैसला दुरुस्त है? मियां नवाज शरीफ मुल्क में वापस आते हैं या नहीं आते, इस हवाले से कानूनी और आईनी माहरीन क्या कहते हैं, उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। कानूनी नुक्ता समझा जाए तो चूँकि उनकी एक लाहौर हाई कोर्ट लाहौर जो है उसमें एक अंडरटेकिंग मौजूद है, और अंडरटेकिंग जो है वो कोर्ट के साथ बुनियादी तौर पे एक कमिटमेंट होती है कि वो अगर फुलफिल वो उनके ऊपर फुलफिल करना लाजमी होता है। अगर वो वापस नहीं आते तो अल्टीमेटली कोर्ट जो है वो लॉ कैन इट्स टेक इट्स ओन कोर्स, और उसके खिलाफ तो फिर ऐसी भी बात होती है, जाहिर है उसके कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो हो सकती है। अब यहाँ पे चूँकि ऑर्डर जो है उसको अगर पढ़ा जाए और देखा जाए तो उसके अंदर ये सेहत के साथ उसको बाहर लिंक किया गया है, ये भी चीज़ हो सकती है कि उसमें थोड़ी बहुत एक्सटेंशन जो है वो इतना उसके अंदर कुशन जो है वो मार्जिन जो है वो मौजूद है कि वो अगर उनकी सेहत जो है वो इजाज़त नहीं देती है, वाकईतन हालात ऐसे हैं और कोर्ट के सामने वो हालात रख दिए जाते हैं और कोर्ट के सामने वो वहाँ की लेबॉरेटरी रिपोर्ट्स जो हैं वो वहाँ पर रख दी जाती हैं, तो फिर जो है कोर्ट की ये डिस्क्रिशन होगी कि इन द सर्कमस्टांसेस वो उसको देखे कि क्या वाकई ऐसे हालात हैं कि अगर उसको दो हफ्ते चार हफ्ते और अगर कोई टाइम देना पड़े और वहाँ पे वो अपना इलाज मुआवजा करवा के जो है वो करें तो अल्टीमेटली जो है वो उसके ऊपर जो है कोर्ट जो है वो डिसीजन करेगी। लेकिन अगर सियासी पहलू देखा जाए ऑन द फेस ऑफ इट जो नज़र आता है, ज़ाहिर है मियां नवाज शरीफ जो हैं वो उनको पता था कि वो और उनकी बेटी गिरफ्तार हो जाएंगे लेकिन फिर भी वो वापस आए। अब उनकी सियासत जो है वो भी इस बात का तकाजा करती है कि वो वापस आएँ, वरना एक मौत तो फिज़िकल होती है जो जिसमें इंसान वफात पा जाता है, लेकिन दूसरी मौत एक सियासी भी होती है। अगर वो नहीं आते तो ये उनकी एक सियासी मौत भी होगी। सेहत याब होते हैं, ज़िंदगी उनकी अल्लाह उन्हें सेहत दे, सबको अल्लाह सेहत दे, अगर वो नहीं आते हैं तो फिर इसका मतलब ये उनकी सियासी मौत भी होगी, जो वो कभी भी कोई भी सियासतदान अच्छा सियासतदान उसको अफोर्ड नहीं कर सकता।